जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो दूसरों के लिए सोने के बराबर हो सकती है। कई बार हम दूसरों की आम ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब लोग इन्हीं आम चीज़ों को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं, तब क्या होगा, यही हमें आज इस मूवी की कहानी से पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोचाबाम्बा नाम के एक देश में एक फिल्म क्रू आता है अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, और उस फिल्म का डायरेक्टर सेबेस्टियन था। फिल्म के ऑडिशन देने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। उस फिल्म का प्रोड्यूसर कास्टा अपना टाइम बचाने के लिए सभी के ऑडिशन नहीं लेना चाहता था, और तभी वहाँ पर डैनियल नाम का एक आदमी आता है। सभी वहाँ पर मेहनत से काम करने के लिए आए थे, और डैनियल चाहता था कि सबको बराबर का मौका मिले। इस बात को लेकर डैनियल और कास्टा के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और किसी तरह सेबेस्टियन इस झगड़े को रोकता है और उस सभी को ऑडिशन के लिए बराबर का मौका देने की बातें भी करता है। कास्टा के अनुसार कोचाबाम्बा में लोग बेसिक चीज़ों के लिए ही लड़ रहे थे, तो थोड़ा सा पैसा भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत है, और इस तरह उनकी फिल्म के लिए बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और पैसा बचाने के लिए फिल्म के क्रूज का काम भी कास्टा लोकल लोगों से ही करवाता है। इधर हम देखते हैं कि कोलंबस किसी तरह आदिवासियों से सोना निकलाया करता था, और यही उनकी फिल्म की कहानी भी थी। फिल्म का मेन हीरो एंटन अपनी एक्टिंग में बहुत अच्छा था, तो एक्स्ट्रा एक्टर के लिए वे लोग डैनियल को रख लेते हैं, क्योंकि डैनियल की एक्टिंग स्किल्स सच में अच्छी थी। शूटिंग फिर शुरू होती है, और डैनियल के साथ उसकी बेटी बालन भी काम करती है। फिल्म के साथ में बारिया वहाँ के लोकल लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चल रही वाटर की सप्लाई कंपनीज की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को पानी तक ठीक से नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर वाटर सप्लाई की गाड़ी आती है, जिसे देखकर डैनियल और उसके साथी उनको डराकर उनकी गाड़ी तोड़कर उनको वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आकर लोकल लोगों की पानी वाली जगह को सील कर देती है, और बारिश भी उस जगह पर कई सालों से नहीं हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि भगवान भी ये नहीं चाहते थे कि उन लोगों को पानी मिले। इस घटना के बाद में लोकल वाटर सप्लाई की कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, और डैनियल इस प्रोटेस्ट का लीडर था। बारिया ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, और कास्टा बारिया को इन सब से दूर रहने को कहता है। अगले दिन डैनियल और बेलेन फिल्म सेट पर जाते हैं, और कास्टा डैनियल को शूटिंग पूरा नहीं होने तक उस प्रोटेस्ट से दूर रहने को कहता है, नहीं तो ये उनकी फिल्म के लिए बहुत बुरा होगा। तभी कास्टा को किसी का कॉल आता है, और वो इंग्लिश में बात करके किसी को बता रहा था कि लोकल को थोड़े से पैसे देकर उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डैनियल को इंग्लिश आती थी, क्योंकि वो कुछ साल दूसरे शहर में काम कर चुका था। कास्टा की इन सब बातों से डैनियल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, और कास्टा भी शर्मिंदा होकर डैनियल के सामने कुछ नहीं बोल पाता है। अब अगले दिन फिल्म की शूटिंग में डैनियल की एक्टिंग की सभी लोग तारीफ करते हैं। कास्टा और डैनियल एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वे दोनों कुछ बातें नहीं करते हैं, और यही सब सोचकर रात को कास्टा सो नहीं पाता है, और डैनियल के घर जाकर वो उसके बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर डैनियल भी उसे एक अच्छा इंसान की तरह माफ़ कर देता है। शूटिंग इसी तरह चलती जा रही थी, और धीरे धीरे कास्टा लोकल्स की बातों को समझने लगा था। यहाँ पर डैनियल लोगों को कुछ दिनों के लिए अपना प्रोटेस्ट रोकने के लिए मना रहा था, लेकिन लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे। तब डैनियल भी अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट में जोरों शोरों से जुड़ जाता है। कास्टा और सेबेस्टियन डैनियल की इस हरकत को देख लेते हैं। अब उसी दिन एक पार्टी के दौरान कास्टा और सेबेस्टियन टाउन के मेयर से मिलते हैं, और दोनों टाउन के मेयर से वहाँ के लोकल लोगों की वाटर सप्लाई और बाकी की प्रॉब्लम के बारे में बातें करते हैं, और टाउन का मेयर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब धीरे धीरे देश की हालत खराब हो रही थी, और वार के टाइम पर फिल्म के क्रू वहाँ से अपने देश वापस लौटना चाहते थे, लेकिन सेबेस्टियन फिल्म खत्म किए बिना वहाँ से नहीं जाना चाहता था। फिल्म के बारे में बात करने के लिए वे सभी डैनियल के घर पर जाते हैं, और कास्टा डैनियल को पूरी फिल्म करने के लिए पैसों का लालच देता है, ताकि वो शूटिंग चलने तक प्रोटेस्ट नहीं करें। डैनियल शूटिंग के लिए मान जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने लोगों के हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ेगा। अगले दिन शूटिंग पे सभी लोग डैनियल का वेट कर रहे थे, लेकिन डैनियल तो आया ही नहीं था, और पूरे क्रू का एक और शूटिंग का दिन बेकार चला गया था। अब रात को न्यूज़ से फिल्म क्रू को ये पता चलता है कि प्रोटेस्ट के समय पुलिस ने डैनियल को अरेस्ट कर लिया है, और उसे बुरी तरह मारा पीटा है। कास्टा की अथॉरिटी के साथ में अच्छी पहचान थी, तो वो अपने कनेक्शन की मदद से डैनियल को जेल से बाहर निकालने में लग जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस सिर्फ शूटिंग के लिए ही डैनियल को छोड़ने के लिए राजी हुई थी, और शूटिंग खत्म होने पर पुलिस फिर से उसे जेल में डाल देगी। सेबेस्टियन और कास्टा ये नहीं चाहते थे कि डैनियल फिर से जेल में जाए। ये भी हो सकता है कि डैनियल इसके बाद में जिंदा नहीं बचे, क्योंकि पुलिस उसे पीट पीट कर मारना चाहती थी।
फिर भी दोनों पुलिस की बात मानकर शूटिंग के लिए डेनियल को अपने साथ में ले जाते हैं। डेनियल को इस बारे में कुछ नहीं पता था और दोनों को एक और मौका देने के लिए थैंक यू भी कहता है। अगले दिन डेनियल अपने कमाल की एक्टिंग से अपना शूट खत्म करता है और क्रू मेंबर सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आकर डेनियल को बिना कुछ बोले अरेस्ट कर लेती है और ये देखकर डेनियल के दोस्त पुलिस को रोकते हैं और यहाँ तक कि पुलिस की कार भी पलट देते हैं। पुलिस गुस्से में उन लोगों पर गोलियां चलाना चाहती थी पर किसी तरह सेबेस्टियन और कास्ता बात को संभाल लेते हैं और इसी दौरान डेनियल भाग जाता है और पुलिस भी वापस चली जाती है। लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और रेगन और बारिया किसी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे। यहाँ पर वॉर के समय रहना सबके लिए खतरा बन सकता था लेकिन सेबेस्टियन रिक्वेस्ट करके उनको रोक लेता है। उनकी फिल्म अभी भी अधूरी थी और क्रू मेंबर नई लोकेशन के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डेनियल की वाइफ तारिशा आती है क्योंकि प्रोटेस्ट के समय उनकी बेटी बालन को बहुत चोट लगी थी और डेनियल भी गायब है। बेलन को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए वो कास्टा से मदद मांगती है और कास्टा इस बारे में सेबेस्टियन को बताता है पर सेबेस्टियन इन सब में पड़ना नहीं चाहता था। सेबेस्टियन को बस अपने क्रू मेंबर्स को बचाना था। कास्टा तारिशा की मदद के लिए वहाँ पर रुक जाता है और सेबेस्टियन अकेले सारे क्रू को लेकर एक अच्छी और सेफ प्लेस के लिए निकल जाता है। अब वॉर के बीच में किसी तरह एक छोटे से क्लिनिक में तारिशा और कास्टा को बालन मिल जाती है और बालन बुरी तरीके से जख्मी थी। इस तरफ फिल्म क्रू पुलिस चेक पॉइंट पर रुक जाते हैं। वे ये नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को बुरी तरह से एब्यूज किया जा रहा है। ये सब देखकर क्रू मेंबर अपनी सेफ्टी के लिए डर रहे थे और पुलिस उनको एयरपोर्ट तक जाने देती है। सभी क्रू मेंबर चले जाते हैं लेकिन सेबेस्टियन और एंटन कास्टा के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और इधर कास्टा टाइम रहते हैं बेलन को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। बेलन बच तो जाती है लेकिन अब जिंदगी भर वो ठीक से नहीं चल पाएगी और अब जब बेलन ठीक होता है तो कास्टा डेनियल को ढूंढने जाता है ताकि बेलन अपने फादर डेनियल को देख पाए। वॉर खत्म होने के बाद में पूरा टाउन बर्बाद हुआ पड़ा था और कास्टा को डेनियल कहीं नहीं मिलता है तो फिल्म के सेट पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट फिल्म की स्क्रिप्ट पड़ी थी जो कि वे लोग इतनी मेहनत के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे और तभी वहाँ पर डेनियल आता है और डेनियल कास्टा को थैंक यू कहता है जो उसने इतनी मुसीबत में भी बेलन को बचाया। यहाँ पर हमें पता लगता है कि डेनियल का प्रोटेस्ट काम आया है और अब वाटर सप्लाई की कंपनी उस टाउन से हट गई है। फिर जाने से पहले डेनियल कास्टा को एक गिफ्ट देता है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कास्टा फिर डेनियल के गिफ्ट को खोलकर देखता है तो गिफ्ट एक पानी की बॉटल थी और ये मूवी इसी के साथ में यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में एक फिल्म का क्रू कोचाबाम्बा पर शूटिंग करने आती है और वाटर सप्लाई कंपनी की वजह से वहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। लोग अपनी बेसिक जरूरतों को लेकर भी तड़प रहे थे। कास्टा पहले सोचता है कि थोड़े से पैसों के लिए टाउन के लोग कुछ भी कर लेंगे पर धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोगों की प्रॉब्लम को समझकर उसे भी रियलाइज होने लगा था कि लोग अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं। मूवी के एंड में जो डेनियल ने कास्टा को पानी की बोतल गिफ्ट में दी थी इससे हमें यही समझ पाते हैं कि पानी हम लोगों के लिए आसान चीज़ है लेकिन वही पानी डेनियल जैसे लोगों के लिए सोने के बराबर है। दुनिया में सभी की बेसिक चीज़ों की नीड अलग अलग होती है और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दूसरे के लिए उस चीज़ का भी कोई मोल नहीं हो। दोस्तों मैं मानता हूँ कि वीडियो मेरे बाकी हॉरर मूवीज से अलग है लेकिन इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि मैं आपके लिए और भी हॉरर वीडियोस जल्दी लेकर आऊँगा।